सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि Redmi की तरफ से Redmi AirDots S को लॉन्च कर दिया गया है। देखने में काफ़ी अच्छे हैं ये। चीन की स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी Xiaomi ने Redmi AirBuds S को चीन में लॉन्च कर दिया है। इन ईयरबड्स का डिज़ाइन पिछले ईयरबड्स की तरह ही है। साथ ही कंपनी ने नए ईयरबड्स में मोनो और स्टीरियो जैसे मोड दिए हैं जिनसे शानदार साउंड क्वालिटी मिलती है। इसके अलावा Redmi AirBuds 2 को भी सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर कुछ दिनों पहले स्पॉट किया गया था। Xiaomi ने लेटेस्ट AirBuds S की प्राइस 99 चीनी युआन यानी करीब 1000 रुपीस रखी है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इन ईयरबड्स की अदर कंट्रीज़ और इंडिया में लॉन्च के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। Redmi AirBuds S की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यूज़र्स इन ईयरबड्स को सिंगल या फिर पेयर में यूज़ कर सकता है। इसके साथ ही कंपनी ने इसके पेयरिंग फीचर को भी अपग्रेड किया है। इसके अलावा Redmi AirBuds S में मोनो और स्टीरियो मोड दिए गए हैं जिसका यूज़ वीडियो देखने के टाइम किया जा सकेगा। Redmi AirBuds के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो कनेक्टिविटी के लिहाज से Xiaomi ने इस ईयरबड में ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया है और यह 7.2 mm का ड्राइवर दिया गया है। इसके अलावा यूज़र्स को इन ईयरबड्स में स्मार्ट नॉइज़ रिडक्शन के लिए DSP फीचर का सपोर्ट मिला है। वहीं इन ईयरबड्स की बैटरी लाइफ बिना बॉक्स के 4 घंटे और बॉक्स के साथ 12 घंटे की है। इसके अलावा यह ईयरबड वॉइस असिस्टेंट और वन टैप कॉल फीचर से लेस है। तो फिलहाल ये अभी चाइना में लॉन्च हुए हैं, इंडिया में लॉन्च के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे वैसे ही हम आपको बता देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। Thanks for watching this video. Thanks.